कल्पना जी के पास में सरस्वती जी का रूप है, सरस्वती जी हो गया विद्या, लक्ष्मी जी यानी गरीबों के पास बांटना, और दुर्गा जी का भी रूप है, दुर्गा जी बन करके जो विपक्ष पार्टी है उनको संहार करना। दुर्गा जी से कितना राक्षस को संहार करते, देखिएगा फोटो, वो तीन रूप उनके अंदर में है। और चौथा में उनका नाम है कल्पना मुर्मू सोरेन, तो कल्पना कल्पना नाम हुआ। अब वो कितना कल्पना वो कर रही है, एक होता कल्पनात्मक जो कल्पना करके होता है कि ये यहाँ चीज होना चाहिए। कल्पना सोरेन चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं ये बताइए। क्या जी, ये तो गरीबों का मसीहा बन गया है अभी कल्पना सोरेन। हाँ, क्या लगता है लोकप्रियता बढ़ा है हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद से? हेमंत सोरेन से और बढ़ के काम करेगी, इतना तय बात है। जो देखिए, जो विकास करने वाला रहते हैं ना, गंगा बहाने वाला रहती, वो पहले दिख जाते हैं, और जो वृक्ष आगे बढ़ता है ना, वो फल कैसे क्या देगा वो भी पता चल जाता है। इसलिए हम लोग कल्पना सोरेन को दिल से हम लोग चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मंजू मरांडी, आदिवासी समाज से हैं। अच्छा, ये बताइए क्या है इधर का माहौल गांडे विधानसभा का? इधर गांडे विधानसभा का माहौल तो एकदम बहुत अच्छा है। हाँ। और यहाँ कल्पना सोरेन अभी 1.5 लाख पार करेगी, 1.5 लाख वोट से भी ज़्यादा से जीतेगी यहाँ पे। हाँ। मैंने टोटल समाज के लोग, सब समुदाय के लोग इनको, आपके समुदाय से बाबूलाल मरांडी आते हैं, वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बता रहे हैं कि ये लोग करप्ट आदमी है। बाबूलाल मरांडी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है, उसको क्या बोले, हम लोग आदिवासी सीधा साधा लोग है, वो कभी कुतुब मीनार से भी कूदने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो तो फिर कूद के वहीं भाजपा में चल जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग आदिवासी का नेता नहीं मानते। आप लोग भरोसा नहीं रहा बाबूलाल मरांडी पे? लेकिन भाजपा तो प्रोजेक्ट कर रही है ना, मान लीजिए अगर इंडिया गठबंधन हारता भी है विधानसभा चुनाव में, मान लीजिए तो मरेंगे तो आदिवासी मुख्यमंत्री, तो फिर क्यों दिक्कत है आपको बाबूलाल मरांडी से? इतना दिक्कत यही है कि हम लोग को, देखिए आज तक भाजपा ने आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया है। आप द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, बताइए उसको तो मूर्ति बना के खड़ी कर दी है, उसको तो थोड़ी दिया है जी। उस दिन जब लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी जी जो है सो बैठ के, वो बेचारा जबकि हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक आती है और उसको बैठने के लिए चेयर नहीं दिया, कुर्सी नहीं दिया, इसके लिए आदिवासी समाज पूरा आक्रोश है बीजेपी के ऊपर। हम लोग बहुत आक्रोश है, हम लोग भाजपा को नहीं देखने चाहते। मोदी जी तो कहते हैं कि देखिए आदिवासियों को इतना फंड दिया, ये दिया, मान सम्मान दिया, मोदी क्या दिया जी, हम लोग जान रहे ना सब, बोला कि एकदम हर घर में शौचालय, नल जल सब। अभी देखिए हालात, देखिए आप देहात में जा कर के, ग्रामीण क्षेत्र में जाके, तो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। क्या गारंटी देगा जी, क्या गारंटी दे रहा है जी, सबके घर में किसी का टंकी है तो किसी का मतलब घरे नहीं है। यही तो हाल है यहाँ सुदूर इलाका का, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं मानते। आप 15 लाख देखिए आदिवासी के, इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग का धर्म सरना धर्म कोड जो है वो दो बार तीन बार और 1932 का जो खतियान यहाँ विधानसभा से पास करके भेजा, उसको नकार कर दिया, नहीं होने दिया, पास नहीं किया, केंद्र में मंजूरी नहीं दिया। इससे हम लोग पूरा आदिवासी समाज, पूरे हिंदुस्तान का आदिवासी लोग आक्रोश है। कल्पना सोरेन चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं ये बताइए। क्या जी, ये तो गरीबों का मसीहा बन गया है अभी कल्पना सोरेन। हाँ। क्या लगता है लोकप्रियता बढ़ा है हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद से? हेमंत सोरेन से और बढ़ के काम करेगी, इतना तय बात है। जो देखिए, जो विकास करने वाला रहते हैं ना, गंगा बहाने वाला रहती, वो पहले दिख जाते हैं, और जो वृक्ष आगे बढ़ता है ना, वो फल कैसे क्या देगा वो भी पता चल जाता है। इसलिए हम लोग कल्पना सोरेन को दिल से हम लोग चाहते हैं यहाँ गांडे। क्या लग रहा है कि आदिवासी समाज में कल्पना जो सोरेन है उनको लेकर के सहानुभूति है लोगों में? सहानुभूति जेल में अभी है, हमारा दिशम गुरु शिबू सोरेन थोड़ा वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए भरपूर, इसलिए इनको मैंने हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ, बताइए कल्पना सोरेन के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? सुनिए, कल्पना सोरेन के विषय में जब आप बात कर रहे हैं, तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पार्टी है, यो उनके ससुर जी जो दिशम गुरु कहते हैं, दिशम गुरु ने आज से 60 साल पहले पार्टी का वो उजागर किए थे, गाढ़ा नाला जंगल, उसमें बहुत जंगल होता था, वो जंगल करके पार्टी को तैयार किए, पार्टी को विषम गुरु जो शिव क्या सती लक्ष्मी वाला वो बोल के एंड करेंगे। अच्छा, तो उसे अब उन्हीं का परिवार में जो है, उनका जो क्या हेमंत सोरेन जी है वो तो जेल में है। अब सवाल है कल्पना जी, तो कल्पना जी के पास में सरस्वती जी का रूप है, सरस्वती जी हो गया विद्या, लक्ष्मी जी यानी गरीबों के पास बांटना, और दुर्गा जी का भी रूप है, दुर्गा जी बन करके जो विपक्ष पार्टी है उनको संहार करना।
दुर्गा जी थे कितना राक्षस को संहार करते, देखिएगा फोटो, वो तीन रूप उनके अंदर में है। और चौथा में उनका नाम है कल्पना मुर्मू सोरेन, तो कल्पना कल्पना नाम हुआ। अब वो कितना कल्पना वो कर रही है, एक होता कल्पना का जो कल्पना करके होता है कि ये यहाँ चीज होना चाहिए, तो कल्पना करने का पावर भी उनके पास है। कल्पनाशील है कि कैसे विकास हो, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। कल्पना तो नाम है, कल्पना तो ओरिजिनल नाम है, लेकिन कैसे विकास करें, कैसे गरीब को हम फैसिलिटी दें, किनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, ये नहीं है। उनको कुर्सी का भूख नहीं है, उनकी उनको इतना करके रख दिया गया है कि वो चाहेगी तो घर का बहू बन के पर हिला के खाई, खत्म नहीं होगा। लेकिन वो नहीं बोले कि झांसी की रानी जब चली गई, नाम सुनते थे तो झांसी का रानी छोड़िए, झारखंड की रानी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन बनने जा रही है। अब नाम उनका रखेंगे, झारखंड की रानी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जिंदाबाद। तो कल्पना जी के पास में सरस्वती जी का रूप है, सरस्वती जी हो गया विद्या, लक्ष्मी जी यानी गरीबों के पास बांटना, और दुर्गा जी का भी रूप है। दुर्गा जी बन करके जो विपक्ष पार्टी है उनको संहार करना। दुर्गा जी से कितना राक्षस को संहार करते, देखिएगा फोटो, वो तीन रूप उनके अंदर में है। और चौथा में उनका नाम है कल्पना मुर्मू सोरेन, तो कल्पना नाम हुआ। अब वो कितना कल्पना वो कर रही है, एक होता कल्पनात्मक जो कल्पना करके होता है कि ये यहाँ चीज होना चाहिए। कल्पना सोरेन चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं ये बताइए। क्या जी, ये तो गरीबों का मसीहा बन गया है अभी कल्पना सोरेन। हाँ, क्या लगता है लोकप्रियता बढ़ा है हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद से? हेमंत सोरेन से और बढ़ के काम करेगी, इतना तय बात है। जो देखिए, जो विकास करने वाला रहते हैं ना, गंगा बहाने वाला रहती, वो पहले दिख जाते हैं। और जो वृक्ष आगे बढ़ता है ना, वो फल कैसे क्या देगा वो भी पता चल जाता है। इसलिए हम लोग कल्पना सोरेन को दिल से हम लोग चाहते हैं।